दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और आपके WhatsApp में कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने 8 फरवरी 2021 से पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो जो आपका WhatsApp अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारा चैट है, हम कोई भी इमेजेस या वीडियो शेयर कर रहे होंगे, वो भी जो है आपका फेसबुक को शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपकी जो भी चैट्स होंगी, आपने किसी को भी इमेजेस या वीडियो शेयर किए होंगे, वो सारी जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है और वो पूरी तरह से सेफ होती है। उसको कोई भी देख नहीं सकता या फिर कोई भी उसको शेयर नहीं कर सकता, सिवाय आपके या फिर आपने जिसको भी शेयर किया है उसके अलावा। तो दोस्तों, टेंशन मत लो, फेसबुक जो है किसी के घर पर जाकर किसी को कुछ नहीं बताने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बात रही आपके चैट की, जो कि फेसबुक किसी को शेयर करने वाला नहीं है, लेकिन बहुत कुछ शेयर भी करने वाला है। वो क्या शेयर करने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। तो फेसबुक जो है शेयर करने वाला आपका फोन मॉडल, आपका आईपी एड्रेस, आपका ग्रुप डिटेल्स, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका जीपीएस लोकेशन, आपका बैटरी स्ट्रेंथ, आपका अबाउट इन्फो, आपकी जायदाद में हिस्सा, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर, आपका चड्डी, आपका बनियान, सब। दोस्तों, इन सभी चीज से बचने के लिए मैंने आपके लिए एक रामबाण वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ अल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधी बात नो बकवास। तो करना दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ मेड इन इंडिया ऐप्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो ऐप आता है उसका नाम है हाइक मैसेंजर। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज भी किया होगा और इसका नाम जानते भी होंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसमें आपको वो सभी फीचर मिलने वाले हैं जो कि आपको व्हाट्सएप मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें डेवलपर्स ने कुछ ज़्यादा ही ऐसे फीचर्स भर दिए हैं जिसकी वजह से जो ऐप है ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। और अगर आपके पास कम रैम वाला फोन है तो हो सकता है कि ये जो ऐप है आपके फोन में स्लो चले। इसमें आपको वॉइस चैट मिल जाता है, वीडियो चैट मिल जाता है, इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे कूल स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो ऐप आता है वो है अपने अम्बानी जी का जियो चैट। ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया ऐप है। इसमें भी आपको वो सभी फीचर मिलने वाला है जो कि आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं। इसमें आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग चैनल मिलते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो ऐप है ये काफी सारे इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये जो ऐप है ये जियो फोन में भी चलता है, तो आप इस ऐप को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही मेड इन इंडिया ऐप्स के बारे में। अब जो दो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप के। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सिग्नल, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके पीछे कोई भी कंपनी नहीं है। जैसे आपके व्हाट्सएप के पीछे फेसबुक है, वैसे जो ये सिग्नल है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब इसकी जो भी कोडिंग होगी वो पूरी तरह से पब्लिक है, मतलब कोई भी उसको देख सकता है। उसमें कोई भी अगर प्राइवेसी का इशू होता है तो वो बता सकता है। और ये जो ऐप है ये पूरी तरह से फ्री है और पूरी तरह से एक एनपीओ द्वारा चलाया जाता है, मतलब इसके पीछे कोई भी कंपनी नहीं है जिसको इस ऐप से फायदा हो। और दोस्तों, वो सभी फीचर्स में आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको व्हाट्सएप मिलते हैं, जैसे वॉइस कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया। और दोस्तों, ये जो ऐप है ये एक सिंपल मैसेजिंग ऐप है, इसमें बहुत सारे आपको फैंसी फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस ऐप को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर तुम लोगों के पास कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं है लेकिन फिर भी तुम सारी वेब सीरीज देख लेते हो तो तुमने टेलीग्राम ऐप का नाम जरूर सुना होगा। अब दोस्तों, हमारे पहले नंबर पर जो ऐप आता है उसका नाम है टेलीग्राम। और मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग टेलीग्राम को जरूर यूज करते होंगे और इसमें आपको वो सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलते थे, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो बेटर मिलेंगी। जैसे कि इसमें आप फोटो वीडियो जो है वो 2 GB तक सेंड कर सकते हैं। इसमें आपको सीक्रेट चैट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप चैनल बना सकते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी चैनल बना सकते हैं और लोग वहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है और इसमें आपको एक नियर बाय पीपल फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आपको बताता है कि आसपास में और कौन कौन है जो टेलीग्राम का यूज कर रहा है। और इसमें आपको काफी सारे कूल स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, वो है स्टोरीज का। अब दोस्तों, एक प्रॉब्लम और है टेलीग्राम के बारे में कि इसमें आप जो भी फोटो वीडियो शेयर करते हैं वो जो है वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पे सेव होता है। मतलब व्हाट्सएप में क्या होता है कि जो भी आप फोटो वीडियो शेयर करते हैं तो वो जो है आपके फोन के स्टोरेज में सेव हो जाती है, लेकिन यहाँ टेलीग्राम पे क्या होता है कि जो भी आप किसी को फोटो या वीडियो शेयर करते हैं जैसे उसने उसको ओपन किया तो वो जो फोटो या वीडियो है वो टेलीग्राम के क्लाउड पे स्टोर रहेगी और आप जब चाहे उसको देख सकते हैं। मतलब आपके फोन के मेमोरी में वो स्टोर नहीं होगी, लेकिन इससे एक प्राइवेसी का इशू जरूर उठता है। तो दोस्तों, बस ये दो चीज़ें हैं जो इसमें प्रॉब्लम वाली है, बाकी जो चीज़ें हैं व्हाट्सएप से बेटर ही हैं। तो आप जो है टेलीग्राम को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि क्या हो गया कि अगर व्हाट्सएप जो है हमारा डेटा शेयर करेगा तो इससे हमारा क्या जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे आपका बहुत कुछ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।